नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्र में अगर आप मैहर माँ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। इस जगह को गौर से पहचान लीजिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी इसी जगह के बारे में है और देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और रेसिपी पुरानी अंदाज नया, हाजिर हूँ आप सबके बीच सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर, जिसमें आपको मज़ा मिलने वाला है बूंदी के लड्डू का, और शायद ही आपने कभी इस तरह से इसे बनाकर खाया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देवी माँ की कृपा आप सब पर खूब बरसेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। तो यहाँ पर मैं ट्रॉली में बैठ चुकी हूँ माँ के दर्शन के लिए। पहले यहाँ पर रोपवे नहीं बना था, पर अब बन गया है, जिसकी वजह से माँ के दर्शन करना अब और भी आसान हो गया है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मैहर माँ के दर्शन के लिए, और यहाँ से मैहर धाम की ऊंची ऊंची पहाड़ी और उसके पेड़ों की अद्भुत छटा को आप देख सकते हैं। और अब हम धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। सूखे और हरे पेड़ों का अद्भुत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। और अब हम करीब पहुंचने वाले हैं मंदिर के। गाना आपको सुनाई दे रहा है, मतलब कि अब हम मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और इस नज़ारे को हमने वीडियो में कैद कर लिया है। मैं ट्रॉली में बैठी हूँ और साथ में बेटा भी है, जो खूबसूरत नज़ारे को वीडियो के ज़रिए कैद कर रहा है कैमरे में। और हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, और पहुँचने के बाद सबसे पहले माँ के दर्शन किए। वीडियो शूट करना मना था, पर फिर भी हमने फ़ोटो तो खींच ही लिया। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर भैरव बाबा जी का एक मंदिर है, जहाँ पर दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक कील वाली चप्पल है, जिसके ऊपर वो हमारे हाथों को रखकर हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी आप ज़रूर जाएं। और जानकारी से पहले देख लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए सभी सामान को इकट्ठा कर लिया है। सूजी मेजरिंग कप में रखी हुई है, इसलिए चीनी का नाप मैं बाद में बताऊंगी। और इसके लिए मैंने पूरा डब्बा ही स्लैब पर रख लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, केवड़ा एसेंस लिया है, ऑरेंज और रेड फूड कलर लिया है। पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और गरम कर लेंगे, और उसके बाद फ्लेम को लो करके यहाँ पर मैंने हलवा बनाने के लिए मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। जनरली लोग महीन सूजी का हलवा बनाते हैं, पर मेरे स्टाइल से अगर आपको बनाना है तो मोटी सूजी लेनी होगी। तो धीमे धीमे हम सूजी को भून लेंगे और 5 मिनट बाद सूजी का कलर चेंज हो चुका है, पास से आप देख सकती हैं। और अभी इसे हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर और भूनेंगे, और फाइनली सूजी अब भुन चुकी है। और अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, और पैन अभी गर्म है, इसलिए सूजी को हम थोड़ी देर लगातार चलाते रहेंगे, वरना सूजी नीचे से जल जाएगी। तो फाइनली सूजी भुन चुकी है, और अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और वापस चलते हैं गैस की तरफ। उसी पैन को फिर से चढ़ा दिया है और डालेंगे उसमें 4 कप पानी। जी हाँ दोस्तों, सूजी हमने 1 कप से थोड़ी सी कम ली थी, और पानी हमें 4 कप लेना है। पानी को अच्छे से हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है, और अब यहाँ पर हमने
चीनी 1 कप ली है और बिल्कुल ऊपर तक भर ली है। डाल देंगे चीनी को और इसका हम सिरप बना लेंगे। ध्यान रखिएगा चाशनी नहीं बनानी है, और जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए चाशनी या सिरप बनाएं तो पहले पानी को बॉईल कर लें और उसके बाद चीनी डालेंगे तो चाशनी या सिरप बनाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप चीनी के साथ ही साथ पानी डाल देंगे तो चीनी को हमें तुरंत ही लगातार चलाते रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। और जब गर्म पानी में चीनी डालेंगे तो चीनी बहुत ही चंद मिनटों में मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल पिघल चुकी है, और अब इसमें डालेंगे 2 बूंद केवड़ा एसेंस की। और डालने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ रेड और फूड कलर, थोड़ा बहुत लिया है, आप कलर के हिसाब से डाल सकते हैं जितना कलर आपको चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फूड कलर डाल दिया है, और ये ऑप्शनल है, आप चाहे डालें और आप चाहे ना डालें। गैस को कर देंगे बिल्कुल लो, और यहाँ पर 1/2 कप देसी घी लिया है, जिसमें से मैं आधा डाल रही हूँ और आधा बचा लिया है। इसका क्या करना है देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और अब डाल देंगे इसमें सूजी को, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अभी आपको ये मिश्रण काफ़ी पतला दिख रहा होगा, पर देखते ही देखते ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करती है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, और बाती बात में आप देख पा रहे होंगे कि सूजी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। डाल देंगे इसमें थोड़े से क्रश किए हुए काजू, थोड़े सी किशमिश, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी जेब के हिसाब से डाल सकते हैं, भाई जितनी मोटी जेब हो उतना ही आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हलवे में बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि हलवे में कभी भी फ्राई करके फ्रूट ड्राई फ्रूट्स को मत डालिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स क्रंची हो जाते हैं और हलवा काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुलायम ड्राई फ्रूट्स का ही इसमें यूज़ करें। और आप देख पा रहे होंगे हलवे की कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। रेड फूड कलर के साथ थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी ज़रूर डालें, कलर बहुत अच्छा आता है। और जब इसकी चाशनी या सिरप जो भी है सूख जाए, तब आप गैस को बंद कर दीजिए और कवर करके इसे कुछ देर के लिए, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब आप कवर हटाएंगे तो हलवा बिल्कुल आपको सूखा मिलेगा। और डाल देंगे इसमें बचे हुए देसी घी को, और पूरे घी को अच्छे से हलवे में मिला लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सूख चुका है हलवा, बिल्कुल दाना दाना सूजी का निकल कर आ गया है। पास से आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल लगता है जैसे एकदम महीन वाली बूंदी आपने शीरे में पागी हो, और कलर भी बिल्कुल बूंदी के लड्डू जैसा ही आया है। पास से आप हलवे के लुक को और हलवे के टेक्सचर को देख सकते हैं। और चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं जिसे हम ऊपर से गार्निश करेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचाए थे एक एक करके सभी को डाल देंगे। और अब लगाएंगे इस पे हम चांदी का वर्क, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और वैसे भी चांदी का वर्क फ़ायदेमंद होता है, और ये मेरा ओरिजिनल चांदी का वर्क है जो मेरी सासू माँ की भी माँ का है, जिसे मैंने धरोहर के रूप में समेट कर रख रखा है, और समय समय पर इसका उपयोग करके इसका फ़ायदा उठाती हूँ और आनंद लेती हूँ।
अगर आपको मार्केट में असली चांदी का वर्क मिले तभी आप उसका इस्तेमाल करें, वरना स्किप कर दें। इसके लुक और इसके टेक्सचर को आप पास से देख सकती हैं, बिल्कुल शाही हलवा बनकर तैयार है। और देवी माँ को मैंने अपनी ही किचन में बुला लिया है और इसी हलवे का उनको भोग लगा रही हूँ। मैं बनाकर खुश हूँ और देवी माँ खाकर खुश हैं। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक का एक बटन दबा दें। चैनल को पहली बार देख रहे हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बनकर तैयार है शाही सूजी का हलवा, ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और देखने में तो कमाल का है। और अब चलते हैं लड्डू की तरफ। कुछ हलवे को मैंने बचा लिया था, डालेंगे इसमें थोड़े से खरबूजे के बीज जो कि बूंदी के लड्डू में पड़ते ही हैं, और हाथों को कर लेंगे घी से ग्रीस और बीजों को मिलाते हुए अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बांध लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बाज़ार के बूंदी के लड्डू और सूजी के बूंदी के लड्डू में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। चांदी के वर्क से इसे भी थोड़ा सा सजा लेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसे बूंदी के लड्डू देखने में लगने वाले हैं सूजी के ये लड्डू। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे हलवे के रूप में खाएं और चाहे इसके लड्डू बनाकर खाएं। लड्डू वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चलिए अब चलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। जब आप देवी माँ के दर्शन करके नीचे उतरें तो किसी ऑटो वाले या रिक्शे वाले को आपको बोलना होगा कि हमें माँ की रसोई जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये है माँ की रसोई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में यहाँ पर आपको मिलेगा खाना, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगता है और हर चीज़ यहाँ पर साफ़ सुथरी चमकती हुई आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर मिलता है बिल्कुल सात्विक भोजन, जितना मर्जी आप खाएं कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में है। और अगर आप यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं, बस यहाँ पर आपको जाकर बोलना होगा तो वहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने लोग काम करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी सेवा दे रहे हैं, ये समझकर कि माँ हमारे साथ है। और हमने भी माँ का प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण किया और भोजन करते करते शाम के 4 बज गए तो हमारे सामने चाय भी आ गई, जिसे पीकर हमारी थकान काफ़ी कुछ मिट चुकी थी। और ये रसोई किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है, साज सजावट आप देख सकते हैं। और ये है वहाँ के प्रधान पुजारी और उन्हीं की फोटो के नीचे रखा है दान पात्र। अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें कुछ दक्षिणा डाल सकते हैं, अगर नहीं डाल सकते तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ की रसोई इसी दान के पैसे से चलती है। तो जब भी आप मैहर जाएं तो इस रसोई में ज़रूर जाएं, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और यही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, जिसका लोगों को पता भी नहीं है। तो जब तक आप सूजी से बने हलवे और लड्डू का आनंद लेंगे, मिलती हूँ शनिवार की दोपहर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।